क्या पढ़ रहे हो? एक बहुत ही अच्छी नॉवल, Only Love Is Real. And how was your day? It was very hectic and I'm really tired. समीर, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, अब मैं सोने जा रही हूँ. प्लीज़ तुम लाइट ऑफ कर देना. हाँ यार, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? अब तो शादी को 4 महीने हो गए. आर यू स्टिल नॉट कंफर्टेबल? यार समीर, आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई नीड मोर टाइम. ओके, टेक योर टाइम. अरे क्या हो गया भाई नवीन, क्यों ऐसी शक्ल बना के बैठा हुआ है? समीर भाई, यार ये बता, तू बोलता है लड़कियों को टाइम दो टाइम दो, या मैं जो कितना टाइम दूं? दृष्टि को 2 महीने हो गए ये बोलते हुए टाइम दो मुझे टाइम दो. बहन जो जरूरी थोड़ी है कि हर रिलेशनशिप शादी में बदले. क्या बहन जो टाइम टाइम, यार इतना टाइम किसी को लगता है क्या? मतलब इमोशंस की कदर ही नहीं है. तूने ही बोला था ना कि हर रिलेशनशिप में फिजिकल इज आल्सो इम्पोर्टेंट. पर यहाँ तो हर चीज शादी के बाद ही होती है. अबे इतने में तो बीटेक खत्म हो जाएगी, इतना टाइम दूँ? अबे चूतिए, मैंने कहा था फिजिकल रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट एंड इट इज, बट म्यूचुअल कंसेंट इज आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट. विदाउट दैट यू कैन नॉट हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप.
बट अपनी बात खुल के बोले यार, सुन अब बाबा का ज्ञान बहुत हुआ, दक्षिणा में समोसा खिला। और बाबा खुल गया ढाबा? क्या यार नवीन, क्या तू हर बात पे इस बाबा की बकवास ही सुनता रहता है। अरे यार ये बाबा जी हैं, बाबा जी का ज्ञान नहीं लेंगे तो किसका ज्ञान लेंगे, ये सिर्फ बीटेक नहीं कर रहे हैं, ये रिश्तेदारियों पे भी पीएचडी कर रहे हैं, बहुत सी जोड़ियों टूटने से बचाई इन्होंने, समझ रहा है? बाबा जी का ज्ञान समस्या का समाधान। देख लियो बाबा, दूसरे का काटते काटते अपना मत कटवा लियो। चलो ये सब छोड़ो, ये बताओ समोसे कौन खिला रहा है आज? साले आने से पहले फोन तो कर देता एक बार। बाबा साले फोन कहाँ से करता, नंबर तूने चेंज कर लिया ना, तू फेसबुक पर ना इंस्टा पर, हर सोशल मीडिया से गायब। हमें तो लगा हमारा बाबा मर गया है, फिर वरुण से जाके तेरी सारी डिटेल्स ली मैंने। सॉरी भाई, सब कुछ इतना जल्दी में हुआ ना, और घर के हालात कुछ ऐसे हो गए थे, मुझे होम टाउन शिफ्ट होना पड़ा, पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। चल कोई नहीं, और बता, तूने तो यार शादी भी कर ली और बुलाया भी नहीं। अरेंज मैरिज करेगा ये तो पता था तेरा, लेकिन तू शादी में नहीं बुलाएगा ये किसी को नहीं पता था। सॉरी यार, सब जल्दी में। चल कोई नहीं, कॉन्ग्रेट्स। ये बता तेरी मैरिज लाइफ कैसे कट रही है, तेरी तो बेस्ट कट रही होगी साले। हाँ सही कट रही है, तू बता शादी कर ली दृष्टि से? दृष्टि 4 साल हो गए थे उसको, 4 साल में उसका टाइम आया ही नहीं, फिर मैंने प्रीति से शादी कर ली। रिमेम्बर प्रीति? डोंट टेल मी दैट प्रीति। यस दैट प्रीति, इसीलिए तुझे थैंक यू भी बोलने आया। वो क्यों? वो इसलिए जैसा तूने बताया था, हमेशा बताया था, कोई भी रिलेशनशिप हो फिजिकल या इमोशनल, बात दिल खोल के करो। तो हमने शादी से पहले दिल खोल के बात करी, कुछ भी दिल में नहीं रखा, जैसे तू कहता था कुछ भी दिल में मत रखो, शादी करी, नाउ आवर मैरिड लाइफ इज सेट। बाबा का ज्ञान समस्या का समाधान। चल गुड यार, आई एम हैप्पी फॉर यू। ये बता क्या लेगा? अरे ये सब छोड़, ये बता भाभी और चैंप कहाँ हैं, उनसे भी तो मिलवा दे। अरे रोहन की छुट्टियां हो रखी हैं तो वो नेहा के साथ नानी हाउस गया हुआ है। अरे यार फिर तो भाभी से मुलाकात नहीं हो पाएगी, मुझे तो निकलना होगा, मेरी फ्लाइट 6 बजे की। अरे यार देर हो रही है, अब मैं निकलता हूँ यार, बहुत देर हो रही है। चल भाई प्रीति को लेके आना। अरे हाँ हाँ बिल्कुल। सी यू सून, टेक केयर डार्लिंग। नेहा, हाँ एक बात बताऊँ?
हाँ बताओ ना। कल नवीन आया था। कॉलेज वाला नवीन? हाँ, after 4 years he came. How is he? Married? Yeah, happily married. Nice. एक बात पूछूँ? हाँ पूछो ना। Sex married life में कितना important है? Important है, पर ये सब तुम छोड़ो ना। ये देखो रोहन ने कितने अच्छे कार्ड्स बनाए हैं, स्पेशली ये वाला सुंदर है ना। हाँ, इट्स वेरी नाइस। नेहा, मेरी डायरी देखी क्या? कौन सी डायरी? अरे रेड कलर की डायरी, यही रहती थी हमेशा यार। वो मोटी सी डायरी? हाँ। वो तो मैंने डस्टबिन में पड़ी हुई देखी थी और मैंने उठा के कबाड़े वाले को दे दी। कुछ इम्पोर्टेंट था क्या उसमें? क्या था उसमें? नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, वेस्ट ही था।